पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए सियासी घमासान लगातार बढ़ता जा रहा है। पंजाब में 4 फरवरी को मतदान होना है और ऐसे में आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जालंधर में रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग बड़ी तेजी से पंजाब के लोगों को भला बुरा कह रहे हैं, यहाँ के युवकों को दुनिया में बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। पीएम मोदी ने लोगों से अपील की है कि वो पंजाब चुनाव में ऐसे लोगों को जरूर सबक सिखाएं। पीएम ने कहा कि पंजाब से भारत का माथा ऊंचा होता है, पंजाब के भाग्य में भारत को ऊर्जा देना है, जबकि कुछ लोग पंजाब की धरती को बदनाम करने में लगे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू का नाम लिए बगैर पीएम मोदी ने कहा कि कुछ लोगों के लिए दल बदलना एक उत्सव हो गया है। बादल साहब ने अपनी जिंदगी में ना कभी दल बदला और ना ही कभी दिल बदला। उन्होंने कहा कि प्रकाश सिंह बादल की तपस्या ऐसी है कि पंजाब में फिर उनकी सरकार बनने जा रही है। कांग्रेस अब बीती हुई बात है, कांग्रेस इतिहास हो चुकी है, इसीलिए कांग्रेस सत्ता के भूख से बौखलाई हुई है। पंजाब के हक का पानी जैसे भी हो पाकिस्तान से लेकर आएंगे। सभी समस्याओं का समाधान विकास में है, जब विकास होगा तभी देश आगे बढ़ेगा। वहीं उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार ने किसानों को मदद करने के लिए उनका कर्ज माफ कर दिया। तो जालंधर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील की है कि वो पंजाब को बदनाम करने वाले लोगों को सबक सिखाए। साथ ही उन्होंने अकाली और बीजेपी को दोबारा सत्ता में लाने के लिए वोट की अपील भी की। देखते रहिए डीबी लाइव।